पड़ते हैं। अजी, झूठ भी बोलना पड़ता है बिल्कुल, और ऑफिस में बहाने लगाने पड़ते हैं, और अगर किसी और लड़की के साथ पकड़े जाए तो उसे बहन भी बनाना पड़ता है। वैसे मनी, झूठ से बात याद आई, आपने अभी तक क्या क्या बहाने बनाए और क्या पापड़ बेले हैं क्लबिंग करने के लिए? वैसे मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, लाइक असाइनमेंट्स के लिए जा रही हूँ, फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ, और ये सब चीजें मैंने बोली है घर पे। मतलब असाइनमेंट्स के लिए क्लबिंग क्लब क्लब चले जाते थे आप? हाँ, मतलब क्या है कि फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं तो थोड़ा पार्टी पार्टी शार्टी में घूमने चले। ये तो बड़ी पार्टी फ्रीक है, आप लोग भी काफी पार्टी फ्रीक है। तो आप ये बताइए, आप लोगों में से किन लोगों ने पापड़ बेले हैं क्लबिंग जाने के लिए? एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मेरे एक फाइनल एग्जाम था मार्केटिंग मैनेजमेंट का, लाइक मंडे को, और संडे को मैं रात को 12 बजे डिस्क में था, और बाई चांस अगले दिन मेरे अखबार में फोटोग्राफ छपकी डांस करते हुए। घर में पकड़ा गया, वो फोटोग्राफ आई हुई कि घर वाले कहते तू तो पढ़ने गया था। मैं क्या, कोई बात नहीं, पास हो जाऊंगा और कुछ चिंता मत करो। और किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप कोई किसी ने झूठ बोला हो घर पे? मेरे फ्रेंड का, आपने कहा ना कोई पकड़ा जाए तो बहन बनाना पड़ जाता है। हाँ। उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे फोन करा कि कहाँ पर आओ, और वो किसी होटल में था बच्चा मेरा घर, तो वो मुझे लेके गए। मेरे को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। जैसे हम आ गए तो जब उसने देखा उसको उसके साथ, तो उस लड़के ने ना उसको बहन बनाया, ना अपनी गर्लफ्रेंड को सॉरी कहा, ना मुझे कहा कि कैसे। उसने चीजें तोड़नी शुरू कर दी, कह रहा हूँ गॉड ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा हो क्या रहा है, इसको क्या हो गया, या तो सॉरी बोल लिया, उस लड़की को बहन बनाया, कुछ और कर। उसने ये सब कुछ नहीं करा, एक अलग ही तरह का बिहेवियर था कि ऐसा हो कैसे गया, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो गया। आप क्या करती हैं? I'm a housewife. Okay. आपके बच्चे भी होंगे घर पे, तो वो right. कभी आपको लगा कि इन्होंने झूठ बोल दिया, पापड़ बेला है कोई ऐसा? अगर मैं इसमें कहूँ कि उन्होंने कभी बोला नहीं तो सही बात बोल रही हूँ, क्योंकि वो झूठ बोल के नहीं जाते। एंड अभी ऐसा है कि उनका जाने का जब है, क्योंकि अब बात चल रही है कि ना जाने का, झूठ बोलने का, इसमें अलसे कि अगर हम उनको रोकते हैं तो वो झूठ बोलेंगे। जब हम उनको रोक नहीं रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोल के जाएंगे। तो आपने कभी अपने टाइम पे, कभी कॉलेज टाइम पे, कभी किसी अपने पेरेंट्स से कभी झूठ बोला ऐसा? या एट दैट टाइम क्लब कल्चर तो होता नहीं था, पर अगर फ्रेंड्स के घर जाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता था। आपने भी पापड़ बेले हैं? थोड़े बहुत। मैं कहना चाहूंगी, इफ वी आर ओपन विद आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को अगर अलाउ कर देंगे तो वो पापड़ क्यों बेलेंगे? जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, जो बिल्कुल नहीं जाने देते पापड़, उन बच्चों को बेलने पड़ते हैं। और मेरे ख्याल से उन बच्चों को पापड़ नहीं बेलने चाहिए। अपने पेरेंट्स से बैठ के बात करनी चाहिए, हम जा रहे हैं, इतने टाइम पे जा रहे हैं, इतने टाइम पे आ जाएंगे, ये हमारा ग्रुप है, ये हम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, एंड बाय दिस टाइम वी विल बी बैक। ओके, आई थिंक दैट इज वॉट वी शुड बी एडवोकेटिंग। मनी, क्लबिंग करना तो मैं रोज चाहूंगा कि मैं रोज क्लब में जाऊँ, लेकिन एक दिक्कत है। हाँ जी मनीष, अगर क्लबिंग करना चाहते हो, दिक्कत क्या है यार? दिक्कत ये है मनी, वैसे एक तो मेरे को सैलरी बहुत कम मिलती है, ऊपर से खर्चा बहुत हो जाता है क्लबिंग करने में। वैसे यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, तो कितना खर्चा करते हो क्लब्स के लिए और डिस्कोस के लिए? हाँ आप बताएं, आप क्या करते हैं? एक्चुअली आई एम अ बीपीओ एम्प्लॉय। ओके, आई एम वर्किंग विद डेल। ओके, यू आर प्रोफेशनल, राइट? यस। तो आपको कितना खर्चा पड़ता है एक बार क्लब जाने का? इट डिपेंड्स, आप किसके साथ जा रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो इट वुड बी लेस, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो इट वुड बी मोर। बहुत ज्यादा खर्चा जाता है, 1000 रुपीज तो किसी अगर अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए कुछ खाना खाने, वो तो ऐसे ही हो जाता है। तो क्लब जाएंगे तो कम से कम 2500 रुपए तो हो जाते हैं। मतलब अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि एक वीकेंड या एक नाइट पार्टी के लिए आपका कितना खर्चा, अप्रोक्सीमेटली 2000 to 3000, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अरेंज कैसे करते हैं, मतलब कैसे पैसों का करते हैं? एग्जैक्टली यही मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे पीजीस में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अरेंज कैसे करते हैं? आप लोग क्लबिंग भी जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है, आपका भी बहुत ज्यादा है, सभी का ज्यादा है, और पैसे कहाँ से लाते हैं, पैसे कहाँ से जुटाते हैं? पापा से ही मांग लेते हैं। ओके, क्लबिंग के लिए मम्मी पापा से मांगते हैं, पॉकेट मनी? हाँ जी। पहले तो मैं अपने पेरेंट्स ही पूछ लेता हूँ, अगर वो मना कर देते हैं देन फिर थोड़ा करना पड़ता है, सेविंग होती है कुछ तो पॉकेट मनी से, देन ट्यूशन फीस वगैरह मारनी पड़ती है। ये ट्यूशन फीस का भी थोड़ा करते हैं। पॉकेट मनी कितनी मिल जाती है आपको? पॉकेट मनी अराउंड 2000 मिल जाती है। तो वो तो आपका एक एक बार के क्लब में चली जाती होगी। घर फोन करना पड़ता है कि ये वाला फॉर्म भरना है, ऐसा करना है, इस चीज में इस बार ज्यादा खर्च हो गए, यहाँ जाना था, जाने आने में ज्यादा खर्च हो गए, ये वाली गाड़ी ले ली थी, वो वाला बस ले ली थी, वॉल्वो ले ली थी, बहाने देकर ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखा के ज्यादा पैसे मंगवा लेते। मेरा नाम रेनू है, मेरा दोनों ही बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मेरा बेटा हैदराबाद में है, बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है,
वैसे उन्होंने मुझे तो नहीं लगता कि कभी इस तरह से मांगे हैं, क्योंकि ऐसा कभी कहा नहीं है। हाँ, बट वो ट्यूशन फीस के जितने कहते हैं हम देते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं कि वो ट्यूशन की फीस लिया तो वो ट्यूशन की फीस ही होगी, वो क्लबिंग की नहीं। मैम वैसे इनके पेरेंट्स भी इन पे ट्रस्ट करके पैसे देते हैं, जितने लोग मांगते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी हैड लेस फंड्स राइट, तो व्हाट शी डिड शी कॉल्ड हर मदर अप एंड शी सेड कि मम्मा कॉलेज में बिल्डिंग फंड चाहिए एंड प्रिंसिपल ने एकदम अर्जेंसी कर दिया एंड प्लीज सेंड मी 5,000 रुपीज एंड हर मदर सेंड हर 5,000 रुपीज एंड शी स्पेंड दैट होल 5,000 रुपीज ऑन हर ड्रेस एंड आई मीन परचेजिंग गिफ्ट्स फॉर हिज बॉयफ्रेंड। मतलब ये बिल्डिंग फंड एक नया फंड आया है सामने। पेरेंट्स भी आराम से दे देते हैं, जी हाँ जी मेरा बच्चा दिक्कत में होगा, चलो दे देते हैं यार। हाँ जी मैम आपका क्या? मेरे बिटिया बड़ी है जो लॉ कर रही है और वो जरूर कई बार क्लबिंग के लिए मेरे से पैसे मांगती है, बेटा छोटा है वो पिज्जा पार्टीज उसकी होती हैं, पर जब भी वो मांगते हैं मैं उनसे हमेशा कहती हूँ खर्चे देखो, माँ बाप अर्न कर रहे हैं, हम इस लेवल पे इसलिए पहुंचे हैं कि अपने दिनों में हमने मेहनत भी की है और यही एज है, इंजॉय भी करो, पर जो अब इंजॉय करोगे तो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहोगे और अभी मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी एंजॉय कर लोगे। वेल मैं तो हमेशा हर महीने अपनी बाइक खराब कर देता था। ये घर से मेरे प्लग निकाल दे रहा, स्टार्ट नहीं हो रही है जी, मेरे को पैसे दो प्लीज, 500,000 जितना भी है एंड एवरीवन सेम इशू। मतलब हर मंथ आपकी बाइक खराब हो जाती है? नहीं तो नया बाइक लेके दो मेरे को। ओके तो ये भी एक मतलब अलग सा, नया बाइक आएगा नहीं और इन्हें पैसे देने ही देने हैं। बिल्डिंग फंड, बाइक फंड, कॉलेज फंड, ट्यूशन फंड, होम फंड, वो फंड, ये फंड, बहुत सारे फंड्स होंगे। जैसे कि मनी, इनमें से काफी लोगों ने बोला था कि ये लोग पीजीस में जाते हैं, तो पीजीस में अक्सर चंडीगढ़ में 10 बजे नो एंट्री होती है, हॉस्टल्स में भी नो एंट्री होती है, पर हमारी नाइट लाइफ शुरू ही 11 बजे होती है, तो आप लोग मैनेज कैसे करते हो भाई साहब? आई वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस, वंस माई पेरेंट ना उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे पार्टी में जाने के लिए, देन एंड हिज माई फ्रेंड हिज स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस एंड सेइंग कि यार आजा स्नीक मार के आजा, कूद के आजा, एंड एट दैट टाइम माई ब्रदर हेल्प मी एंड मैं फर्स्ट फ्लोर पे हैंग कर रहा था उस टाइम पे, यार क्या करूँ कहाँ से उतरूँ, देन समहाउ मैंने मैनेज करके उतर गया, देन और ब्रदर्स ही पैसे मांग के भागा था उस टाइम पे और पेरेंट्स को पता भी नहीं लगा और रात को वापस आया था। कूद के आया था फर्स्ट फ्लोर से कूद के। दिस इज अ ब्रदर ऑफ माइन, आई मीन अ कजन ब्रदर ऑफ माइन, व्हाट हैपेंड कि उसके साथ भी ऐसे हुआ था एक बारी, ही स्नीक्ड आउट ऑफ पीजी और बड़ी मुश्किल से उसने गेट कूदा एंड आगे जैसे भाग, जैसे गेट कूदा आगे उसके पीछे डॉग डॉगी पड़ गया और जैसे डॉगी से बच के गया आगे पुलिस वाले की वैन खड़ी थी, मतलब उसका बेचारे का सारा पार्टी प्लान ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। या पुलिस वालों ने भी पकड़ा। वंस मैं बता रही थी जिनके पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, आई वॉज ड्राइविंग माई चाइल्ड एंड हर ग्रुप ऑफ गर्ल्स टू अ बर्थडे पार्टी एंड रियर व्यू में आई सडनली गॉट शॉक्ड, माई फ्रेंड्स माई डॉटर्स फ्रेंड्स वॉज ओपनिंग हर बटन्स एंड मैंने थोड़ा डर भी गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, एंड सडनली आई रियलाइज हर फुल कॉलर्ड शर्ट एंड स्कर्ट केम ऑफ, नीचे स्पेगेटी एंड शॉर्ट स्कर्ट एंड दैट वॉज बिकॉज हर पेरेंट्स डोंट अलाउ। मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन उसको इतना जरूर कहा कि बच्चे इफ योर पेरेंट्स डोंट लाइक इट, मैं शायद नहीं बताऊंगी लेकिन अगर उनको पता चलेगा इट हर्ट्स देम अलॉट Okay. If they don't expect it from their child. So, तुम लोग जो भाग के निकलते हो, I don't approve of this. Okay. मनी पीजीस की बात कर ली, पॉकेट मनी की बात कर ली, झूठ बोलने की बात कर ली, लेकिन क्लबिंग करने में एक और चीज दिक्कत आती है, आजकल के फैशन के ट्रेंड्स ही इतने बढ़ गए हैं कि भाई एक से बढ़कर एक दिखना चाहते हैं सब लोग। बिल्कुल मनीष, खर्चा सिर्फ क्लबिंग एंट्री का नहीं होता है, पब्स का नहीं होता, मेरे को लगता है खर्चा ड्रेसेस का भी बहुत होता है। अरे सेम ड्रेस या सेम फुटवेयर पहन के हर पार्टी में तो जा नहीं सकते, तो वो ड्रेसेस का जो खर्चा होता है वो भी तो देखना पड़ता है ना सबको। बिल्कुल। वैसे मुझे लगता है कि फैशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले क्यों ना हम एक ऑडियो विजुअल क्लिप देख लें। जी बिल्कुल। चल
ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਚੱਕਰੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ अग लग गई हैं आजकल दे फैशन। सबसे पहले पेरेंट्स से पूछते हैं उनको ये वीडियो देख के कैसा लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको? मेरी बेटी भी 21 ईयर ओल्ड है, वो भी सब तरह के कपड़े पहनती है, बट हम पार्टी में जाने से पहले उनको हमेशा यही कहते हैं कि ऐसे कपड़े मत पहन के जो बहुत रिवीलिंग हो, जो लड़कों को तुम्हें अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करें या जिससे ऑब्सीन लगो या तुम्हारी बाद में कोई प्रॉब्लम हो। 2-4% लोग हैं जो उनकी पॉकेट अलाउ करती है, बिजनेसमैन है, बाकी तो मिडिल क्लास फैमिलीज ही हैं और वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास के लिए पॉकेट मनी इतनी ज्यादा देना मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है। और बच्चे फिर नकल करते हैं कि उसके पास इतनी ड्रेसेस हैं, उसने इतने पैसे लिए हैं, मुझे भी इतने पैसे दो। अभी मैम ने बताया कि हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं बच्चों के ऊपर कि आप ऐसे ऐसी ड्रेसेस डाल के जाइए। और थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि बच्चे एक ड्रेस ऐसी भी रखते हैं साथ में कि जो जाकर रास्ते में चेंज कर लेते हैं। तो हम कहाँ तक चेक कर सकते हैं उन बच्चों को कि वो कौन सी ड्रेस घर से डाल कर गए हैं और कौन सी ड्रेस उन्हें पार्टी में डालनी है? हाँ जी मैम, हाँ जी, इसमें एक ट्रस्ट का बात आ जाती है कि अगर आप अपने बच्चों को ट्रस्ट करते हैं। सी, आप एक इस एज में है जहाँ आपके बच्चे हर तरह का काम करना चाहेंगे, क्योंकि सोसाइटी द पीयर प्रेशर इट डिमांड्स दैट। और आप जब वो करते हैं आपको आप बच्चों को रोक नहीं पाते कई बार वो ऐसा करने से। हाँ जी। पर आप अगर उनको अच्छे, जैसे इन्होंने कहा कि संस्कार है दिए हुए, उनको समझाया गया कि ऐसे नहीं करें, और प्लस इफ यू ट्रस्ट योर किड्स दे विल नॉट डू दोस थिंग्स जो कि अलाउ नहीं करी जाती है। हमारा रिलेशन अपने बच्चों के साथ कैसा है ये भी बहुत डिपेंड करता है। इफ वी आर फ्रेंडली टू देम, वी लिसन टू देम, एंड तो वो शेयर भी करते हैं। शी गोज फॉर पार्टीज, शी विल टेल मी आई वॉन्ट टू कम एट 2, नॉट 12, नॉट 12। आई टेल हर अपने बच्चों को अलाउ करेगी, शी लुक एट मी, अच्छा आ जाऊंगी 12 बजे। इफ यू टॉक टू देम लाइक दैट दे लिसन टू मी, देन शील समटाइम शो मी फोटोग्राफ्स, शील शो मी फोटोग्राफ्स ऑफ गर्ल्स वेयरिंग वेरी स्किम्पी क्लोथ्स, ममा शी इज लुकिंग नाइस, शी वॉन्ट्स टू लुक एट मी वेदर आई अप्रूव ऑफ इट, whether I'll allow her, what will be my reaction. I tell her these girls are good for girlfriends, not wife materials. Oh, she yes. listens to me. Yes. She listens to me. She says, I think I agree. Yes. Okay. And she will not wear it. कितना हार्मफुल इम्पैक्ट वो आपकी बॉडी पे करता है। I mean, you should not get into the stuff ki you will be cool or tum zyada attractive banoge logon mein. But thing is that ki be a little aware. Yeah. Okay. I think this deserves a clap. Yes. I totally agree with what this girl said. I think she really deserves 3 cheers. And clubbing can be about sitting together, discussing, enjoying, eating without smoking and drinking. Okay. For sure. बहुत बढ़िया बोला मैम ने सर। मनी, क्लबिंग की बात चल रही है तो क्लबिंग की काफी बातें कर ली, तो क्यों ना अब हमारे यहाँ पर यंग टैलेंट को बुलाया जाए चंडीगढ़ से। जी हाँ, हमारे यहाँ पर यंग टैलेंट फ्रॉम चंडीगढ़ वन कमीशन बैंड है, आइए सर। One commission in the building. There's a beam, two shakes. You know what it is. Let's go. We still potting over here. Come on. What? Let's go. Like a G6. Yeah. Let's go. Let's fly like a G6. Yeah. Like a G6. Yeah. Yeah, G6. They see I'm a dope fiend, don't cry for crack. And online I'm bad like a mad dog. Come with you like I and then went back. Now I'm looking high tech, got blown too fast. Come on. Baddest girl looking at my wet hat. I'm looking too hard, harder than my last track. Ladies don't find me cute cause I'm hot for them. They give me their cell numbers, I don't call them back. I'm looking too fly, this is a fact. Y'all for stride and I can't stand that. Hell yeah, I'm high, too hot for your cats. Higher than the Pluto and I love that. Better keep it to yourself if you wanna breathe like a bad G fence. We can bust your shields, bust your wheels, bust your grips. Yeah. Playing with the people, that's my shit. Up next, One commission, like a G6.
like a G6. We got you freaky in the house. Let my swag on. I'm strong.